नमस्कार मित्रों, एक शहर और इतिहास एपिसोड के तहत आज आप मेरे साथ सैर कर रहे हैं प्रताप वन क्षेत्र की। प्रताप वन क्षेत्र जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में विस्तृत एक वन क्षेत्र है, यहाँ बने हुए बायोडाइवर्सिटी पार्क की। बायोडाइवर्सिटी पार्क जिसमें आपको देखने को मिलते हैं विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का एक अनोखा संगम। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं आप यहाँ आकर एक विचित्र रोमांच से भर जाते हैं। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूँ आप सभी का राजस्थान के सिंह द्वार अलवर में। बायोडायवर्सिटी पार्क जो कि बाला किला का जो मुख्य द्वार है उसी के लेफ्ट की ओर बना हुआ है। हम विश्वास के साथ कहते हैं यहां घूमकर आपको ऐसा लगेगा कि धरती का स्वर्ग जैसे यहाँ उतर आया हो। किसी समय में अरावली पर्वत श्रृंखला के ये पहाड़ जो शोषण का शिकार हो रहे थे, इनका दोहन मानव जाति के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रशासन की कल्पना ने आज इसे इस अंजाम तक पहुँचाया है कि इसे एक स्वर्ग का रूप दिया है। यहाँ बना हुआ है योगा क्षेत्र। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, आप यकीन मानिए तो हम आपको यहाँ यूरोप महाद्वीप के एक बड़े देशों में जो विस्तृत बड़े बड़े पार्क होते हैं उनकी यात्रा आपको आपके राजस्थान के अलवर में ही कराएंगे। यहाँ प्रशासन के द्वारा जो विकसित किया गया है इस पार्क में, एक प्रकार से आप जब घूमते हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम जापान के किसी पार्क में घूम रहे हों, यूरोप के किसी बड़े देश के पार्क में घूम रहे हो। यहाँ परिवार के सहित बैठने के लिए ऐसे स्थानों का निर्माण किया गया है जहाँ आप आसानी से बकायदा अपनी पिकनिक मना सकते हैं। एक शांत वातावरण में आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ शांति से बैठ करके आप पिकनिक अपनी मना सकते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। यह दृश्य बाला किला जो पहाड़ी है उसके सामने का दृश्य है जहाँ आप देख रहे हैं तरन तारण बना हुआ है। बकायदा यहाँ सवेरे और शाम को प्रशासन की ओर से कृत्रिम रूप से झरने चलाने की व्यवस्था भी की गई है। बरसातों के दिनों में यहाँ प्राकृतिक रूप से ही झरना बहता है। यहाँ आपको हर स्थान पर इस प्रकार की हट नुमा बैठने के स्थान आपको मिलेंगे जो कि इस यहाँ बैठकर आप चारों ओर यहाँ की हरियाली को निहार सकते हैं। यह प्रताप वन जो कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, यहाँ चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली नजर आती है। यहाँ पक्षियों का कलरव, आपको उनकी मधुर आवाजें आपको सुनने को मिलती हैं। यह मार्ग आपको निश्चित एक स्वर्ग की खूबसूरती वाले बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर की ओर लेकर के जाता है। इस पार्क में घूमते हुए आपको एहसास होता है कि यहाँ की सौंदर्य और यहाँ की बनावट पर
जो असर आपको दिखता है, जो इफेक्ट आपको दिखता है, एक बौद्ध धर्मावलंबी या जापान या चाइना या यूरोप के जो बड़े राष्ट्र हैं वहाँ की जब यात्रा कर रहे हो तो वहाँ का स्थान आपको, आप इसे देखिए, आप जैसे देख रहे हैं एक छोटा ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ के इस ब्रिज के नीचे से बरसात का पानी जब निकलता है, एक नदी सी यहाँ पर बहती है, यहाँ आपको बड़े ही बहुत खूबसूरत पौधे, अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रजातियों के पौधे यहाँ पर मिलते हैं। दरअसल मित्रों, यह पार्क जो देखा गया है यह पूरा वन क्षेत्र है, पूरा जंगल है, अरावली के जो पहाड़ है उसके उसमें क्षेत्र में बसा हुआ है। यहाँ कारीगरों के द्वारा इन पेड़ों को, इन पौधों को इस प्रकार से सजाया गया है कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम अलवर ज़िले के अंदर यात्रा कर रहे हैं या अलवर ज़िले के किसी एक पार्क की हम लोग यात्रा कर रहे हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं कि चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। ये फिल्मांकन जो हमारे द्वारा किया गया है मित्रों, ये धूप में किया गया है। आप देख रहे हैं कि बरसात का समय इस समय नहीं है, फिर भी चारों ओर हरियाली किस प्रकार की, ऐसा लग रहा है कि चारों ओर एक हरी हरी चादर, विस्तृत हो चादर ओढ़ी हुई है उन पहाड़ों ने। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ यहाँ के। अलवर प्रशासन और राजस्थान सरकार की एक अनुपम कल्पना जिसे यहाँ साकार किया गया। अभी कुछ सालों तक ऐसा रहा कि अलवर जिला पिछड़े जिलों की श्रेणी में आया करता था, लेकिन यह पर्यटन के विकास को यहाँ बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने कई प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चलाई हैं, विकास यहाँ पर किया है। यह पार्क अभी लगभग 2018 के करीब बनकर के लगभग पूरा तैयार हुआ है। यहाँ पर विभिन्न औषधीय पौधे भी आपको देखने में मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के कुछ फूलों के पौधे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए बकायदा विभिन्न प्रकार के जो झूले हैं, उनके खेलने के जो उपकरण होते हैं, वो यहाँ पूर्ण रूप से विकसित किए हुए हैं। पूरे सुरक्षात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें विकसित किया गया है, जिनसे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचता है, बच्चा अपना मनोरंजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी पार्क के पास में आपको एक आश्रम, संत का आश्रम, संत की तपोभूमि आपको दिखती है, जो इसके अंदर भी चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। इस क्षेत्र को हम सुनारों की बगीची या प्रेमदास जी के आश्रम के नाम से भी जानते हैं। यह संतों की तपोभूमि बहुत ही शांत रमणीय स्थल है। मित्रों, बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर विद्यार्थी अपना अध्ययन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। हम हमारे यहाँ आए हुए मेहमानों को यहाँ घुमाने के लिए ला सकते हैं। यह क्षेत्र, विशेष बात इस क्षेत्र की यह है कि यहीं से बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहीं से बाला किला, यहीं से डडीगर फोर्ट और उसी से आगे विजय मंदिर के लिए मार्ग भी इसी क्षेत्र से जाता है। आप बहुत ही कम समय में काफी क्षेत्र की यात्रा यहां कर सकते हैं। हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा जरूर है कि मुगल काल के अंदर गार्डन ऐसे होते थे, लेकिन आप उन गार्डन्स को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्रतापबंद है और प्रतापबंद के पास ही विस्तृत झील का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर सिंघाड़े की खेती भी की जाती है।
अरावली के इस प्राकृतिक क्षेत्र में फैले वन क्षेत्र की यात्रा प्रताप वन बायोडाइवर्सिटी की यात्रा आपकी कैसी रही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी मित्रों को धन्यवाद।